स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, पहला स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज, फर्स्ट हम लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज इसको बोलते हैं ऐसी फिजिकल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, हाँ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की, सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की। हाँ अभी हम देखेंगे आगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, सिर्फ किसकी जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो किस कैटेगरी में आएगी, स्केलर क्वांटिटीज की कैटेगरी में आएगी। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी दोज क्वांटिटीज which can be described completely by their magnitude only are called scalar quantities। लिखेंगे ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज किस कैटेगरी में आएगी, स्केलर क्वांटिटीज की कैटेगरी में आएगी। जैसे कि देखो, जैसे मास बेटा एक स्केलर क्वांटिटी, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मास मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना क्वांटिटी है मैटर का। तो मास क्या आएगी, किस कैटेगरी में आएगी, स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगी। जैसे आप मास बोलते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, मास क्या बोलोगे, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है ना, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, तो 10 क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या है, यूनिट ऑफ मास, या ऐसा यूनिट ऑफ मास। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इन दोनों को मिला के मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को के बारे में बताने के लिए अगर सिर्फ इन दोनों की रिक्वायरमेंट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बस हो गया, डिस्क्राइब हो गया कितना मास है 10 kg, तो इन दोनों की मदद से क्या बोलो, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला के क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड की, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। हम ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg इन द साउथ, डायरेक्शन बताते हैं क्या कभी, मास बताने के लिए बताओ आप लोग, नो सर, मास बताने के लिए हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से डिस्क्राइब कर सके, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड। तो आप लोग लिख लेंगे मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट, कितना है वो, कितना है। तो मैथमेटिकली जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। नोट कर लो, मैथमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है, कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस।
तो मैथमेटिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, दोनों को मिला के हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब दूसरा देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं, करंट है ना। अभी मैं एग्जांपल लिखाऊंगा, पहले आप लोग ये बस लिख लो, मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, है ना। एक और एग्जाम्पल है बेटा करेंट, एक और एग्जाम्पल है करेंट। करेंट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। करेंट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। जैसे करंट मैं बोलता हूँ 5 एम्पियर, करंट मैं बोलता हूँ 5 एम्पियर, बस हो गया, डिफाइन हो गया। 5 एम्पियर इन साउथ, इन नॉर्थ, या इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा नहीं बोलते हम। तो करंट इज 5 एम्पियर। 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एम्पियर क्या है, यूनिट ऑफ करंट। ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो करंट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड की। इसलिए करंट किस में आएगा, स्केलर क्वांटिटी में। और एग्जांपल देख लो, अभी मैं पूरा एग्जांपल लिखाऊंगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गई यूनिट, सेंटीग्रेड इज द यूनिट, और टेम्परेचर, दोनों को मिला के हमने क्या बोला, मैग्नीट्यूड। बस हो गया। किसी भी टेम्परेचर को बताने के लिए हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। इसलिए टेम्परेचर किस में आएगा, स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में। तो पहले पहले हम ये डेफिनेशन लिखे हैं, फिर हमको ये लिखना है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब जो आगे लिखेंगे वो मैं लिखा रहा हूं, नेक्स्ट लिखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किसका, स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा। मास वॉल्यूम, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क, एनर्जी एटसेट्रा। जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे उसमें हमको समझ में आते जाएगा कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी स्केलर में आते हैं और कौन कौन से वेक्टर में। तो हमको एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, हम आगे सब समझ जाएंगे कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। फिर भी कुछ एग्जाम्पल है, मास वॉल्यूम डिस्टेंस करेंट टेम्परेचर टाइम वर्क एनर्जी एटसेट्रा। करंट और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एनसीईआरटी में भी दिए, ध्यान रखेंगे ठीक है। करंट टेम्परेचर कई बार पूछ देता है कि करंट स्केलर क्यों है, तो उसका हम आगे और रीजन भी देखेंगे। एक तो रीजन ये भी हो गया कि करंट को स्पेसिफाई करने के लिए या डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो फिर टेम्परेचर हो गया, टाइम वर्क एनर्जी एटसेट्रा, तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो नॉर्मल एलजेब्रा से ऐड करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा एक मास है m1 10 kg, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2 5 kg, टोटल मास कितना, टोटल मास कितना होगा, 15 kg, 15 kg। सिंपल ऐड करना है 15 kg, खत्म। सिंपल ऐड करना है 15 kg। लेकिन वेक्टर एडिशन, जब वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो फिर ऐसा सिंपली ऐड नहीं होता है, सिंपल एलजेब्रा से ऐड नहीं होता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉ दिया गया है, उसके लिए पर्टिकुलर प्रोसीजर दिया गया जो हम आगे सीखेंगे। जबकि स्केलर क्वांटिटीज को सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू सिंपल एलजेब्रा, लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड अकॉर्डिंग टू सिंपल एलजेब्रा, सिंपल एलजेब्रा से ये मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे नॉर्मल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सबट्रैक्ट करते हैं, वैसे स्केलर क्वांटिटीज ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड
हो जाएंगी, ठीक है, तो इसको भी लिखो। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन का प्रोसीजर अलग होता है, एडिशन का प्रोसीजर अलग होता है और सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर अलग होता है, वो हम आगे देखते हैं। चलो यहां तक हो गया क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? देखो अब हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कब बोलते हैं? उसकी कंडीशन, पहला कंडीशन ये कि उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है उसका प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा कंडीशन एक और है बेटा कि सारी वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं ये ऐड होती है फॉलोइंग द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। सभी वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने का एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो भी क्वांटिटी इस लॉ को फॉलो करेगी वही वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगी, अदरवाइज भले उसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो लेकिन अगर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगी तो वो वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आएगी, वो किस कैटेगरी में आ जाएगी? स्केलर की कैटेगरी में। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए किसी भी क्वांटिटी को अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिखेंगे दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन एंड फॉलोज द लॉज ऑफ वैक्टर एडिशन, फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कम्स आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो बेटा ये तीनों जो है कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे, ये तीनों कंडीशन को जो फिजिकल क्वांटिटी फुलफिल करेगी वो किस कैटेगरी में आएगी? वेक्टर क्वांटिटीज की कैटेगरी में आएगी। अब द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है वो हम आगे देखेंगे, पहले यहां तक लिख लो। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल हम लिख लेते हैं, है ना। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, फोर्स एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये तो अभी स्टार्टिंग से यूज होना चालू हो जाएगा। काइनेमेटिक्स में जैसे आएंगे हम वन डायमेंशनल मोशन में, वहां से वेलोसिटी एक्सेलरेशन चालू हो जाएगा, फिर लॉज ऑफ मोशन में आओगे तो फोर्स चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी क्वांटिटी बेटा, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कुछ एग्जांपल लिख लिए। बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन कौन सी स्केलर है। हाँ बेटा, सर स्पीड दे आर नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। इनका एग्जांपल है, तीन एग्जांपल है ध्यान रखेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तीन क्वांटिटी का ही ध्यान रखना है कि अगर कभी पूछ ले तो, लेकिन ऐसा सिलेबस में नहीं है। स्ट्रेस और स्ट्रेन आप
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ेंगे, जिसको हम इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। तो ये तीनों क्वांटिटीज किसमें आती है, ना ही स्केलर में आती ना ही वेक्टर में, ये थर्ड कैटेगरी में आती है जिसको टेंसर बोलते हैं। इसकी डिटेल हमारे स्कोप में नहीं है, इसको हमको डिटेल में नहीं जानना है, बस दो तीन एग्जांपल है। स्ट्रेस स्ट्रेन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछ दिया तो ना ही स्केलर में आएगा ना वेक्टर में आएगा, किसमें आएगा, टेंसर में। तो स्कूल एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कभी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दिया तो ध्यान रखना है। चलो अब हम देखेंगे बेटा, अब हम मेनली जो देखेंगे वेक्टर के बारे में ही देखेंगे। अभी हम जो मेनली देखेंगे हम किसके बारे में देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को हम अल्फाबेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं बोल दिया वेक्टर ए तो इसको ऐसा लिखूंगा, ए लिखूंगा और ऊपर में एरो लगाऊंगा, दिस इज द अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ वेक्टर ए तो उसको लिखूंगा ऐसा, अल्फाबेटिकली ऐसा लिखूंगा, वेक्टर ए लिखूंगा उसके ऊपर में एरो, ठीक है। अगर मुझे फोर्स लिखना है, फोर्स को एक फोर्स का अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं ऐसा लिखता हूँ, ज्यादातर फोर्स एफ लिखता हूँ और ऊपर में एरो। सो दिस इज अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फोर्स एज अ वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर है और फोर्स को हमको अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करना है इन द इन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं एफ लिखूंगा ऊपर में एरो। वैसे ही वेलोसिटी है वी लिखते हैं, ये हो जाएगा, है ना। तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी क्वांटिटी का सिंबल और उसके ऊपर में ये एरो, ये क्या है, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सर ये एरो लेफ्ट टू राइट ही क्यों जाता है? बेटा हमेशा इधर ही रहेगा एरो, इधर ही रहेगा राइट साइड, ऐसा उल्टा मत बना लेना ऐसा। अगर डायरेक्शन राइट है तभी ऐसा बनाना, ऐसा जरूरी नहीं भाई। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो भी ऐसा ही एरो रहेगा ऐसा, है ना, ऐसा मत कर देना, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो यही, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स हमने देखा। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एरो से। अभी लिखना नहीं है, मैं भी समझा रहा हूँ फिर लिखाऊंगा। ग्राफिकली हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, ऐसा ऐसा रिप्रेजेंट करते। इसके दो पार्ट होते हैं, एरो के दो पार्ट, इसको मैं एरो बोलूंगा, इसके दो पार्ट। इस स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे टेल, इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, टेल। अच्छा, सारे वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही चाहिए, और वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं, वो तो है ही। लेकिन फिजिकली अगर देखा जाए तो किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये तो फिक्स है। जबकि स्केलर के पास सिर्फ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर के पास क्या होगा, या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन, क्लियर है। जैसे अगर मैं बोलूंगा फोर्स लग रही है, फोर्स इज एक्टिंग, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ये काफी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स किस दिशा में लग रही, किस डायरेक्शन में लग रही, इसकी भी इम्पोर्टेंस है बेटा। अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स है ना, फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स को बिना डायरेक्शन के आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जैसे मैं बोलूंगा 10 न्यूटन टूवर्ड्स साउथ, तो ये सही रिप्रेजेंटेशन होगा फोर्स का। इसमें से ये 10 न्यूटन, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू
न्यूटन क्या है, फोर्स की ऐसा यूनिट, दोनों को मिला के क्या हो जाता है ये मैग्नीट्यूड। और साउथ क्या है, डायरेक्शन। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स को अगर मुझे कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो मुझे फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अदरवाइज मैं फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बताऊंगा कि 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो क्या मैं फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा हूँ? नहीं। 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो क्या मैं फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे देखो कि मतलब फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका इफेक्ट चेंज हो सकता है। जैसे देखो मान लो कि ये बॉक्स रखा है और ये सरफेस स्मूथ है, अब आपने फोर्स ऐसा लगाया 10 न्यूटन का, तो ये बॉक्स जो है ये मूव नहीं करेगा क्योंकि ये सरफेस है। बॉक्स क्या करेगा, जस्ट इस सरफेस को प्रेस करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर में क्या लग रही, फोर्स लग रही। लेकिन अगर मैं फोर्स को ऐसा ना लगा के ऐसा लगाऊं 10 न्यूटन का, तो अब ये चलने लग जाएगा, अभी चलने लग जाएगा। तो देखो मैग्नीट्यूड उतना ही है फोर्स का, इधर 10 न्यूटन है, इधर भी 10 न्यूटन है, लेकिन इफेक्ट अलग अलग आ रहे हैं। नीचे ऐसा प्रेस करूंगा तो ये चलेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट या मूव नहीं करेगा, जबकि इसको ऐसा लगाऊंगा तो ये चलने लग जाएगा। तो फोर्स के डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस है बेटा, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इसकी भी इंपॉर्टेंस है, उससे इफेक्ट जो है चेंज हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, ऐसा फोर्स लगाने से ब्लॉक स्टेशनरी है, ऐसा फोर्स लगाने से ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटीज के डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज को अगर कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो उनका डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर है ना, फोर्स का डायरेक्शन अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मैं इस फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा। समझ में आया क्या एग्जाम्पल आप लोगों को? Yes, है ना। तो इसलिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए। तो अब ये जो टेल है बेटा, ये टेल जो है अगर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टेल का कुछ पोर्शन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और कुछ पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। तो सॉरी टेल बोल रहा हूँ, सॉरी अगर ये एरो जो है, अगर इस एरो से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस एरो का कुछ पार्ट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और कुछ पार्ट डायरेक्शन को। तो जो एरो के दो पार्ट है बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको टेल बोलते हैं और इसको बोलते हैं हेड बोलते हैं या फिर एरो हेड। जो टेल होता है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। टेल किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। मतलब जितनी लंबी टेल होगी उतना ज्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। द लेंथ ऑफ टेल, अभी कुछ नहीं लिखेंगे मैं सब लिखाऊंगा, लेंथ ऑफ टेल इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जितनी लंबी पूंछ होगी, जितनी लंबी टेल होगी उतना ज्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक। और हेड की मदद से हम क्या फाइंड करते हैं, वेक्टर का डायरेक्शन। ये जो हेड है या बोलो एरो हेड है, इसकी मदद से हम क्या फाइंड करते हैं बेटा, वेक्टर का डायरेक्शन। आ रहा है समझ में? और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ देखोगे आप, वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर का डायरेक्शन आप कहाँ से कहाँ देखोगे, फ्रॉम टेल टू हेड, फ्रॉम टेल टू हेड। तो देखो डायरेक्शन, टेल से हेड की तरफ चलो तो जिस वेक्टर को भी ये एरो रिप्रेजेंट कर रही होगी उस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड। किस डायरेक्शन में है वो वेक्टर, राइट साइड। कैसे देखोगे डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का, फ्रॉम टेल टू हेड। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं एरो ऐसे बनाया तो अब बताओ वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड। वेरी गुड, है ना, डाउनवर्ड होगा। कैसे देखोगे, फ्रॉम टेल टू हेड। अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ लेफ्ट, तो ये डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड। किधर हो जाएगा डायरेक्शन, लेफ्ट साइड। तो yes. तो एरो में एरो के थ्रू जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन देखना है तो हम डायरेक्शन कहां से कहां देखेंगे, फ्रॉम टेल टू हेड। तो ठीक है, तो ये था बेटा क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। मतलब
किसी भी वेक्टर को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। इस एरो के दो पार्ट, टेल जो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को, और दूसरा पार्ट हेड जिसकी मदद से हम क्या फाइंड करते हैं, वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे अब थोड़ा सा इसके बारे में, एकदम बेसिक है बेटा ये सारी चीजें, आपको आना चाहिए, है ना। चलो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, इसमें लिखेंगे ग्राफिकली, देखेंगे ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। बनाएंगे आप एरो, इसको बोलेंगे हम टेल और इसको बोलेंगे हेड और एरो हेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एरो हैज टू पार्ट्स, एरो हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट टेल, सेकेंड एरो हेड। एरो के दो पार्ट होते हैं बेटा, टेल और एरो हेड। अच्छा देखो, जैसे हम कानून बनाते हैं तो हर आदमी के लिए अलग अलग कानून तो नहीं बनाते, हम एक जनरल कानून बना लेते हैं जो हर किसी के लिए फॉलो होता है। वैसे ही हम हर वेक्टर के लिए अलग अलग कानून नहीं बना रहे, एक वेक्टर के लिए एक जनरल कानून बना रहे हैं, एक जनरल लॉ बना रहे हैं, वो हर वेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ वेक्टर, मतलब वो हर वेक्टर ये सारी चीजों को फॉलो करेगा। हर वेक्टर जो है, सभी वेक्टर को हम अल्फाबेटिकली जैसा मैं बताया वैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी वेक्टर को ग्राफिकली हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम वेक्टर के बारे में, सारे वेक्टर के बारे में एक जनरल लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ेंगे वो हर वेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि फोर्स के लिए अलग, ठीक है, मोमेंटम के लिए अलग, ठीक है, वेलोसिटी के लिए अलग, नहीं, सभी लॉज या सभी रूल्स, ठीक है, सभी रिप्रेजेंटेशंस सभी वेक्टर के लिए फॉलो होंगे। ठीक है, तो इन जनरल मैं वेक्टर बोल रहा हूं, मतलब वो सारी चीजें हर वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। तो ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, एरो के दो पार्ट, टेल और हेड। नेक्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट टेल, इट रिप्रेजेंट्स टेल, टेल क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। टेल किसको रिप्रेजेंट करता है, टेल किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। देखेंगे, लेंथ ऑफ टेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसका साइन है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लेंथ ऑफ टेल बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। तो लेंथ ऑफ टेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लिख लेंगे, लेंथ ऑफ टेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर के टेल की लंबाई ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। सेकेंड पॉइंट, एरोहेड सेकेंड लिखेंगे, पहला पोर्शन हमने लिखा टेल, सेकेंड लिखेंगे एरोहेड या फिर हेड, हेड और एरोहेड। With the help of head, we find the direction of a vector. Arrowhead की मदद से हम क्या find करते हैं, vector का direction. और direction कहां से कहां देखेंगे, the direction of vector is from tail to head. ये ध्यान रखेंगे हमेशा, ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम टेल टू हेड, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होगा, फ्रॉम टेल टू हेड।
चलो यहाँ तक नोट कर लिए आप लोग सब? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो बेटा, अगर मान लो दो वेक्टर हैं, जैसे मान लो कि एक वेक्टर है वेक्टर ए, दिस इज द अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है ये वेक्टर बी, दिस इज द अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बी एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बी, बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? वेरी गुड, वेक्टर बी का। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड देखने के लिए हमको क्या देखना है, टेल की लेंथ। तो टेल की लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसका, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। क्लियर है? चलो yes. मिटा दो इसको। यस सर। यस सर। अब क्योंकि मैंने बताया वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, अगर मैं लिखा वेक्टर ए तो इसके दो पार्ट होंगे, एक होता मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मान लो कोई एक वेक्टर है वेक्टर ए, जरूरी नहीं वेक्टर ए, वेक्टर बी भी हो सकता है, वेक्टर सी भी, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। तो मान लो एक वेक्टर है वेक्टर ए, अब कोई भी वेक्टर हो उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, और ये अंडरस्टूड है कि वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन तो फॉलो करेगा ही, तभी तो मैं उसको वेक्टर बोल रहा हूँ। लेकिन फिजिकली उसके पास क्या थी, उसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा, वेक्टर ए लिखिए और दोनों साइड में पैरेलल लाइंस लगा दिए, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या सिंपली कभी कभी सीधा ऐसा ऐसा भी लिख देते हैं। तो ये या तो ऐसा लिखोगे या तो ऐसा लिखोगे, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को, ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसा, ए और ऊपर में ऐसा एरो लगा देते हैं, एक हेड लगा देते हैं, इसको बोलेंगे ए कैप। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बस अभी नोट कर लो, अभी हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंबॉलिकली ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर ए का, और अगर मैं ऐसा लिखा मतलब मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसको बोलते हैं ए कैप, इसको क्या बोलेंगे, ए कैप, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। है ना, तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूं फोर्स जो है वो है 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, फोर्स क्या है 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये 10 न्यूटन क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर एफ एस, एक्चुअल में 10 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ईस्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज एफ के। समझ में आया क्या? यस सर। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी, तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये रहा उसका मैग्नीट्यूड, ये रहा उसका डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली ऐसा, तो एक्चुअली 10 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड ईस्ट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, इसका सिंबल एफ, उसका अल्फाबेट लिखा और ऊपर में एक हेट लगा दिया, तो एफ कैप। तो एक एग्जाम्पल करके आप लोग लिख लो इसको भी, तो एक चीज हमको ये भी समझ में आ रही है कि किसी भी वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं, मिटा दो बेटा यहाँ पर, किसी भी वेक्टर को, जैसे मैं बोल रहा हूँ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ए के पास दो चीजें होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे मैं बोल रहा हूँ फोर्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा लिख सकता हूँ,
तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे बहुत काम आएगा इस चीज को, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी जस्ट आपको बता दे। जैसे वेलोसिटी ऐसा लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे मैं लिखा 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये वी कैप क्या है, ईस्ट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से ही लिखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैसे लिखते हैं किसी भी वेक्टर को आप, बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस तरह से आप लिख सकते हो किसी भी वेक्टर को आप, बाय लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग, बाय मल्टीप्लाइंग इट्स मैग्नीट्यूड विथ इट्स डायरेक्शन। इस तरह से आप लिख सकते हो, और होता भी ऐसा ही है, हर वेक्टर ऐसे ही होता है। ठीक, चलो अब अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अभी आप जनरल बस ऐसे लिख लीजिए। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में ए कैप होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर्स के कुछ टाइप्स होते हैं बेटा, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब दो वेक्टर को कंपेयर करके बताया जाता है कि ये किस टाइप के वेक्टर है। तो पहला लिखना है ना, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला लिखोगे आप लोग, फर्स्ट लिखोगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला लिखोगे पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला टाइप है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलते हैं, ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी जो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, या ऐसे दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ऐसे दो वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। तो लिखेंगे, लिखेंगे टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं बेटा, डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। ऐसे दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम हो, ऐसे दो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स को मैं इधर धक्का लगा रहा हूं 10 न्यूटन की फोर्स से, तुम भी बॉक्स के दूसरे साइड में, बॉक्स के दूसरे साइड से खड़े होके तुम भी राइट साइड धक्का लगा रहे हो 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो। तो ये 5 न्यूटन और 10 न्यूटन की फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, पैरेलल फोर्सेस, या बोलो पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। आ रहा है ये समझ में? यस सर, क्लियर है। यस सर, यहां मैग्नीट्यूड भले अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड हमको नहीं देखना है, हमको जब पैरेलल वेक्टर पहचानना है, दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, तो उसके लिए हमको क्या देखना है, सिर्फ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको क्या देखना है, डायरेक्शन। देखो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये दोनों फोर्सेस क्या कहलाएंगे, पैरेलल फोर्सेस, या दीज टू फोर्सेस आर पैरेलल वेक्टर्स, है ना। ठीक, दोनों के बीच का एंगल बता सकते हो, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180। बेटा सेम डायरेक्शन में तो 180 कैसे होगा, जीरो, जीरो डिग्री होगा ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। भाई 180 डिग्री कब होता है, जब एक फोर्स राइट लगे दूसरी फोर्स लेफ्ट लगे। देखो एक फोर्स लग रही है राइट साइड, दूसरी फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड, दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, तब दोनों के बीच का एंगल कितना होता, 180। लेकिन अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री होगा कि नहीं। यस सर, तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो डिग्री। कितना एंगल है दोनों के बीच का, एंगल जीरो डिग्री। तो अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री, है ना। एग्जांपल लिख सकते हैं, ये देखो इधर है वेक्टर ए, इधर जा रहा है वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों के बीच का एंगल
जीरो, तो ए ए एंड बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर्स। तो जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तब दोनों क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है ये? यस सर, यस सर। देखो बेटा डायरेक्शन है ना, जैसे भाई अगर एक वेक्टर इधर लगता एक वेक्टर इधर लगता, दोनों के बीच का कुछ एंगल होता, कुछ एंगल होगा 30 डिग्री 45, कुछ एंगल होगा। अब इसको रोटेट कराओ इधर लेके आओ, ये ऐसा ना हो के ऐसा हो जाता, दोनों के बीच का एंगल कितना होता 90। अब इसको रोटेट करा के इधर लेके आ जाओ, अगर दूसरा वेक्टर ऐसा एक्ट करेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या 180। अब इसको वापस से रोटेट करके इधर ले आओ, अब इसको इधर लेके आओगे है ना, जो वेक्टर ऐसा था जिसका एरो इधर था उसको रोटेट करा के इधर ले आओगे तो दोनों का हेड ओवरलैप हो जा रहा है, दोनों का हेड ओवरलैप हो जाए। देखो इसके हेड इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, दोनों का हेड ओवरलैप हो रहा है, तो दोनों का हेड अगर ओवरलैप हो रहा है मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है मतलब दोनों क्या है पैरेलल। अदरवाइज हेड ओवरलैप नहीं होगा, हेड तभी ओवरलैप होगा जब दोनों वेक्टर क्या होंगे पैरेलल होंगे, और हेड ओवरलैप होगा इसका हेड इसके ऊपर रखा जाएगा ओवरलैप हो जाएगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम है मतलब दोनों क्या है पैरेलल वेक्टर, ठीक। चलो सेकंड देखते हैं, ये पहला हो गया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला, सेकंड लिखेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सेकंड लिखेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे, दो वेक्टर्स टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, लिखेंगे टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हमको फिर से यहां पर मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है बेटा, हमको डायरेक्शन से मतलब है, मतलब अगर दो वेक्टर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो दोनों क्या कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स टू ईच अदर। जैसे ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, दोनों जो है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ए इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, ए का डायरेक्शन किधर है राइट साइड, बी का डायरेक्शन किधर है लेफ्ट साइड, ए को उठा के बी के ऊपर रखो तो एरो जो है जस्ट अपोजिटली डायरेक्टेड हो जाएगी। देखो ए को उठा के बी के ऊपर रखो, ए की एरो इधर राइट साइड, बी की इधर लेफ्ट साइड, दोनों के बीच का एंगल कितना 180, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा 180, मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो पहले ये बना लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो क्या कहलाएंगे दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा 180 डिग्री, लिखेंगे द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री, है ना, दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि वो जस्ट अपोजिटली डायरेक्टेड है ना। जैसे कि एक बॉक्स है, बॉक्स में अगर आप राइट साइड 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और लेफ्ट साइड 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगी, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या होंगी एंटी पैरेलल टू ईच अदर, है ना। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे कि ट्रेन है, एक ट्रेन सपोज करो जो है ना, एक ट्रेन का सपोज करो कश्मीर से कन्याकुमारी जा रही है और उल्टा एक ट्रेन जो है कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है ना, तो ये क्या हो गया बेटा, ये जा रही है ट्रेन ए से बी, या बोलो पी टू क्यू, पॉइंट पी टू क्यू, और दूसरी ट्रेन जा रही फ्रॉम क्यू टू पी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो ट्रेन की जो वेलोसिटीज होंगी ये क्या हो जाएगी एक दूसरे के एंटी पैरेलल, जो वेलोसिटीज ऑफ दीस टू ट्रेन विल बी एंटी पैरेलल। आ रहा है समझ में?
चलिए तो ये हो गया सेकेंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. थर्ड लिखेंगे बेटा इक्वल वेक्टर्स. थर्ड लिखेंगे हम थर्ड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लिखेंगे हम थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर्स लिखेंगे हम इक्वल वेक्टर्स. थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर्स इक्वल वेक्टर. देखो दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कब बोलेंगे, जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो. और तीसरी कंडीशन होना चाहिए नेचर भी सेम होना चाहिए. जैसे एक फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स होगा. तो इक्वल वेक्टर्स किसको बोलेंगे, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड. टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन एंड नेचर आर इक्वल वेक्टर्स. ऐसे दो वेक्टर्स. अब यहां पर बेटा देखो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तभी ये दो वेक्टर क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर. मतलब इनकी टेल की लेंथ भी सेम होना चाहिए और एरो का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, है ना. जैसे कि देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है. दोनों की टेल की लंबाई सेम, दोनों का डायरेक्शन भी सेम. तो ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स. वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी. ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स, है ना. ये एग्जांपल है. ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम और नेचर भी सेम होना चाहिए. लिख लीजिए. अच्छा क्या इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होंगे, क्या इक्वल वेक्टर्स पैरेलल होंगे? नो सर. यस सर, है ना. क्योंकि इक्वल वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन तो सेम होना ही है. तो सभी इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं. लेकिन जरूरी क्या कि हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो? नो सर. जरूरी नहीं है, है ना. देखो सभी इक्वल वेक्टर को पैरेलल होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पैरेलल वेक्टर इक्वल हो. क्योंकि देखो पैरेलल वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है. तो ये पैरेलल वेक्टर है, लेकिन क्या ये इक्वल वेक्टर है? नो सर. ये दो वेक्टर्स इक्वल तो है लेकिन ये पैरेलल नहीं है. तो एक स्टेटमेंट बनता है बेटा, है ना. क्वेश्चन बनता है इसका कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल. ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे. ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर but all parallel vectors are not necessarily equal to each other. तो हर इक्वल वेक्टर पैरेलल होंगे लेकिन हर पैरेलल वेक्टर का इक्वल होना जरूरी नहीं है. क्लियर है यहां तक? चलिए अब फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे, नेगेटिव वेक्टर. फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर्स हम देखेंगे नेगेटिव वेक्टर्स. अब नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं बेटा? नेगेटिव वेक्टर्स ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो. ऐसे दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, ऐसे दो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? नेगेटिव वेक्टर्स टू ईच अदर. एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? वो नेगेटिव वेक्टर्स. तो क्या लिखेंगे हम?
एंटी पैरेलल जैसे ना? नहीं बेटा, एंटी पैरेलल जरूर, एंटी पैरेलल के लिए मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है ना, लेकिन निगेटिव होने के लिए मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है। निगेटिव वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये देखो, ये दोनों एंटी पैरेलल है, ये है कि नहीं एंटी पैरेलल? यस सर, यस सर, है ना, ये दोनों एंटी पैरेलल है, लेकिन क्या ये निगेटिव है? नो सर, यस सर, नो नो नो, बिकॉज दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो निगेटिव वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है, क्लियर है। तो ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे दो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? निगेटिव। एरो बना के एग्जांपल, ये हो गया वेक्टर ए, दूसरा हो गया वेक्टर बी। ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब टेल की लंबाई दोनों के लिए सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट। इसलिए ए एंड बी आर नेगेटिव, हियर ए एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स टू ईच अदर। देखो ए के लिए बी निगेटिव है और बी के लिए ए निगेटिव है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बेटा, दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों का नेचर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, ये वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी, फर्क सिर्फ किसमें आ रहा है? डायरेक्शन में। दोनों का नेचर सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ए का डायरेक्शन राइट तो बी का लेफ्ट। तो देखो दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, ये क्या कहलाएंगे? नेगेटिव वेक्टर्स। लेकिन क्या जरूरी है क्या कि हर एंटी पैरेलल? देखो अगर मैं बोलूंगा कि क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख के बताओ, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? यस सर, यस सर। क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है? यस सर, यस सर, यस सर, है ना। तो अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये एंटी पैरेलल की कैटेगरी में भी आएंगे। तो सभी निगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं। लेकिन अगर मैं डायग्राम ऐसा बना दूं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? नो सर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, अपोजिट है, यस सर। मतलब ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। इनको मैं निगेटिव नहीं बोलूंगा, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसलिए ये दोनों नेगेटिव वेक्टर्स नहीं हो सकते। हाँ अब डायरेक्शन देखा मैंने तो डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है इसलिए मैं इनको क्या बोलूंगा? एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये जरूरी है कि हर नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, लेकिन हर एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं अगर बोलूंगा बेटा क्या ये एंटी पैरेलल है, बताओ क्या ए और बी एंटी पैरेलल है? आप बोलोगे यस, क्योंकि उसके लिए आपको सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन देखना है। अगर मैं बोलूंगा क्या ए और बी एंटी पैरेलल है तो आप बोलोगे यस। क्या दोनों निगेटिव है तो निगेटिव के लिए भी बोलोगे यस, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये एंटी पैरेलल भी है, निगेटिव भी है। आ रहा है समझ में? तो हर एंटी पैरेलल वेक्टर निगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे ये एंटी पैरेलल है, पहले मैं पूछूंगा आपसे बताओ ये एंटी पैरेलल है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है? डायरेक्शन। आप डायरेक्शन देखोगे, हाँ अपोजिट डायरेक्शन है, बोलोगे हाँ एंटी पैरेलल। फिर मैं बोलूंगा क्या ये नेगेटिव है, तो देखोगे कि भाई नेगेटिव होने के लिए तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, हाँ मैग्नीट्यूड भी सेम दिख रहा है, नेचर भी सेम दिख रहा है, तो बोलोगे हाँ ये नेगेटिव वेक्टर भी है, तो ये एंटी पैरेलल भी है और ये नेगेटिव भी है। अगर मैं बोलूंगा क्या ये एंटी पैरेलल है, तो सिर्फ क्या देखोगे? डायरेक्शन देखोगे, हाँ अपोजिट है, बोलोगे हाँ एंटी पैरेलल है। बोलूंगा क्या नेगेटिव है, तो फिर आप मैग्नीट्यूड देखोगे, नहीं आ रही मैग्नीट्यूड तो अलग दिख रहा है, बोलोगे आप ये नेगेटिव वेक्टर नहीं है। तो हर नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होगा, लेकिन हर एंटी पैरेलल वेक्टर का नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ ये? यस सर, यस सर, यस सर। लिखेंगे नोट पॉइंट लिखेंगे बेटा, ऑल
all negative vectors, all negative vectors are anti-parallel. All negative vectors are anti-parallel, but all anti-parallel vectors are not necessarily negative to each other. लिख लेंगे, है ना. सभी नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, लेकिन सभी एंटी पैरेलल वेक्टर जरूरी नहीं है कि नेगेटिव वेक्टर. क्लियर है यहां तक सबको? यस सर. जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों आपस में नेगेटिव है, ठीक है, तो दोनों में क्या किस चीज का डिफरेंस होगा बेटा? बस इफ ए एंड बी आर नेगेटिव टू ईच अदर, देन दोनों में डिफरेंस किसका होगा? सिर्फ इस चीज का डिफरेंस होगा दोनों डायरेक्शन. डायरेक्शन बस अपोजिट होगा. ए का डायरेक्शन अगर राइट साइड है तो बी का लेफ्ट साइड. बाकी ए का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन, है ना, ए का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा बी के साथ, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा और नेचर भी दोनों का सेम होगा. नेचर भी दोनों का सेम होगा. तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, मान लो एक वैक्टर ए है, वैक्टर ए, मान लो वेक्टर ए दिया है आपको 50 न्यूटन. मान लो ये वेक्टर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स. तो वेक्टर ए दिया 50 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, 50 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ. ये दिया वेक्टर ए 50 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है. तो इसका, है ना, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर होगा नॉर्थ की तरफ. अगर अपन ये डायरेक्शन फॉलो करते रहे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको इस टाइप का ही डायरेक्शन फॉलो करना, ठीक है. तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो अगर वेक्टर ए है 50 न्यूटन टुवर्ड्स टॉप, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ये हो गया वेक्टर ए. वेक्टर बी को अगर मैं बोलूं, और ए और बी क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव, तो वेक्टर बी को क्या लिखूंगा बताओ जल्दी से? अगर मैं वेक्टर ए को मैं लिख रहा हूँ 50 न्यूटन नॉर्थ, और मैं बोल रहा हूँ ए और बी एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, तो बी का, है ना, ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन और नॉर्थ क्या हो गया डायरेक्शन, तो बी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जितने नेगेटिव वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम. तो मैग्नीट्यूड तो 50 न्यूटन ही लिखूंगा, लेकिन डायरेक्शन क्या लिखूंगा? नॉर्थ का जस्ट अपोजिट. नॉर्थ का जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा? साउथ. अपोजिट क्या होगा? साउथ. तो ये हो गया वेक्टर बी. तो अगर वेक्टर ए है 50 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वेक्टर बी है 50 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ. वेक्टर बी है 50 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ. ध्यान रखना, किसी भी डायरेक्शन के सामने अगर मैं माइनस साइन लगा दूं, एक चीज को ध्यान रखना बेटा, ये आगे पूरा काम आएगा. किसी भी डायरेक्शन के सामने अगर मैं माइनस साइन लगा दूं, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन उलट जाए. जैसे अगर मैं साउथ की जगह माइनस नॉर्थ लिखूं, तो ये भी सही है. आ रहा है क्या समझ में? Yes, मतलब yes, डायरेक्शन को, डायरेक्शन के सामने अगर मैं माइनस साइन लगा दूं, तो उसका मतलब होता है कि वो जो डायरेक्शन है उसका उल्टा. मतलब अगर मैं माइनस नॉर्थ लगा दिया, मतलब नॉर्थ का उल्टा. नॉर्थ का उल्टा मतलब साउथ. आ रहा है ये समझ में? यस सर. यस सर. ठीक. तो बी इज एक्चुअली, बी क्या है, 50 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ. लेकिन मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस नॉर्थ मतलब नॉर्थ का उल्टा. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो बी इज, माइनस साइन को सामने कर दो, माइनस 50 न्यूटन नॉर्थ. ऐसा भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये माइनस साइन इधर सामने लिख दिया. क्लियर है? यस सर. यस सर. या फिर बी इज माइनस और 50 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ क्या है? ए. बी इज माइनस ए. लिख सकता हूँ ऐसा, बी इज माइनस ए. आ रहा है क्या समझ में? यस. मैं कैसे लिखा हूँ सर, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ए के सामने
माइनस साइन लगा दूंगा तो उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। मतलब वेक्टर ए का अगर नेगेटिव वेक्टर बनाना है जिसको मैं वेक्टर बी से डिनोट कर रहा हूँ, तो वेक्टर ए के सामने माइनस साइन लगा दो। माइनस साइन लगाने से वेक्टर का डायरेक्शन उलट जाता है। माइनस साइन लगाने का इफेक्ट क्या होगा? डायरेक्शन उलट जाएगा, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होगी। ना वेक्टर का नेचर चेंज होगा, ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्या चेंज होगा? डायरेक्शन। जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो अगर मुझे किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो उसके सामने क्या लगा दूंगा? माइनस साइन। समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। है ना? यस सर। है ना? तो अगर है ना, तभी तो देखो बी इज माइनस ऑफ वेक्टर ए। मतलब है ना, एक है वेक्टर ए और दूसरा है माइनस ऑफ वेक्टर ए, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? वेक्टर बी। क्योंकि बी इज निगेटिव ऑफ वेक्टर ए, इसलिए बी एंड ए आर नेगेटिव वेक्टर्स टू ईच अदर। बी क्या है? बी इज एक्चुअल में माइनस ऑफ वेक्टर ए। मतलब बी और ए में क्या रिलेशन है? ये दोनों आपस में क्या है? नेगेटिव वेक्टर्स टू ईच अदर। तो अगर आपको कभी भी किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है, मतलब आपको उसका सिर्फ डायरेक्शन उलटना है, तो आपको मैथमेटिकली कैसे करना पड़ेगा? ये उस वेक्टर के सामने क्या साइन लगा दो? माइनस साइन लगा दो। आ रहा है ये समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर? हाँ, है ना, ये अगर वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो हम लिख सकते हैं बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। बी एक्चुअल में क्या है? माइनस ऑफ वेक्टर ए है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ये आगे काम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये हम आगे यूज करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर के सामने माइनस साइन लगा दिए, मतलब उस वेक्टर का हमने क्या बना दिया? नेगेटिव वेक्टर। जैसे अगर मैं लिखूंगा कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। और v2 अगर मैं लिख रहा हूं -20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, तो v1 और v2 क्या है? एक दूसरे के नेगेटिव। v1 और v2 एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव वेक्टर्स है। आप क्या करोगे? v2 को आप ऐसा लिख सकते हो 20 मीटर पर सेकेंड राइट के सामने माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। और माइनस राइट मतलब निगेटिव ऑफ राइट मतलब लेफ्ट। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? ये माइनस को डायरेक्शन के सामने किया मैंने, है ना? माइनस साइन हमेशा किसके सामने करना है? डायरेक्शन के सामने, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता। एक चीज पॉइंट ध्यान रखना बेटा, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्चुअल में जो माइनस साइन है वो 20 मीटर के सामने नहीं है, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड क्या है? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो माइनस साइन एक्चुअल में किसके सामने लगेगा? डायरेक्शन के सामने, राइट के सामने। तो माइनस ऑफ राइट का मतलब होता है लेफ्ट। तो v2 एक्चुअल में क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो कहने का मतलब है कि v1 और v2 एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव वेक्टर्स। आ रहा है ये समझ में? यस। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने क्लियर किया? कि मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये मैं बार बार बोलूंगा, अभी अपन आगे भी चलेंगे। तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा। माइनस साइन किसके सामने लगता है? डायरेक्शन के सामने लगता है। माइनस साइन भले यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया मैग्नीट्यूड के सामने, लेकिन वो एक्चुअल में किसके सामने रहेगा? डायरेक्शन के सामने। ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन के सामने माइनस साइन लगाने का मतलब है कि उस डायरेक्शन को उलट दे। इतना क्लियर हो गया पॉइंट? ये सारे एकदम बेसिक पॉइंट्स है बेटा। कई बार मतलब जो होता है कि 12th तक पहुंच जाए लिखें। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर क्या है? नल वेक्टर। अ वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड। नलीफाई करना बोलते हैं ना, नल मतलब जीरो हो जाना। तो अ वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड अ नल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नहीं होता या जिसका मैग्नीट्यूड जीरो,
और जिसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो। आर्बिट्रेरी मतलब जिसके डायरेक्शन को आप डिफाइन नहीं कर सकते, रेंडम। ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे नल वेक्टर। ऐसे वेक्टर को बोलेंगे नल वेक्टर। चलो अब बता सकते हो क्या आप लोग कि अगर नल वेक्टर है, कोई वेक्टर नल वेक्टर है, तो उसका डायरेक्शन हम क्यों नहीं फाइंड कर सकते? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है मतलब जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते, क्यों नहीं फाइंड कर सकते बता सकते हैं? मैग्नीट्यूड है ना, तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड है ना, विद द हेल्प ऑफ टेल एंड हेड हम क्या फाइंड करते हैं डायरेक्शन। अब टेल तब होगी जब मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा टेल भी ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड कम होगा टेल कम होगी। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो टेल गायब हो जाएगी, क्या बचेगा सिर्फ हेड। और किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन हम कहां से कहां देखते हैं? फ्रॉम टेल टू हेड। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां देखोगे? फ्रॉम टेल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा बेटा इसको कर लेते हैं, तो ये वाला नल वेक्टर तक का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर में। पहला, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। सेकंड लिखेंगे, इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। बेटा ये स्कूल में आता है लिखने के लिए, प्रॉपर्टीज लिखो नल वेक्टर की, है ना। इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसके अलावा स्कूल में टाइप्स ऑफ वेक्टर भी पूछेगा, तो आप चार वेक्टर लिख देना, पैरेलल, एंटी पैरेलल, नेगेटिव और इक्वल वेक्टर। चाहो तो आप फिर नल वेक्टर भी लिख सकते हो। सेकेंड, थर्ड लिखोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जीरो वेक्टर। इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो वेक्टर से। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ, व्हेन अ नल वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड, is added or subtracted. When a null vector is added or subtracted from a given vector, किसी एक vector से अगर null vector को add करे या subtract करे, the resultant vector is same as the given vector. The resultant vector is same as the given vector. है ना, जैसे मान लो वेक्टर ए को मैं नल वेक्टर के साथ जोड़ूंगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा मतलब इन दोनों का जो सम आएगा वो सेम आएगा, ए आएगा। तो अगर किसी वेक्टर को नल वेक्टर के साथ ऐड करोगे या सबट्रैक्ट करोगे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का क्या रिजल्ट आया, जोड़ने या घटाने से क्या मिला, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सेम वेक्टर होगा। वैसे ही a माइनस जीरो करेंगे तो भी क्या मिलेगा, वेक्टर a। आ रहा है ये समझ में? यस सर, यस सर। नेक्स्ट लिखेंगे, ये होगा फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ नल वेक्टर विथ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ नल वेक्टर विथ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। बेटा ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हम आगे देखेंगे, अभी ये पॉइंट आप लोग लिख लो, क्योंकि जैसे आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तब ये पॉइंट आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये हम बाद में देखेंगे। अभी पहले हम क्या देखेंगे, वेक्टर एडिशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट किसी भी नल वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ जीरो होता है, ये क्यों होता है हम बाद में समझेंगे, अभी समझा के टाइम वेस्ट होगा, जब हम आगे पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट क्यों लिखे हैं करके। सिक्स्थ लिखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमको कंप्लीट प्रॉपर्टीज लिखना है डॉट प्रोडक्ट की, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, इसमें ये लिख लो, ए डॉट नल वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट का सिंबल होता है,
ये डॉट प्रोडक्ट का सिंबल होता है, ठीक है, ये होता है जीरो, ये वेक्टर नहीं होता। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है, ये आगे देखेंगे। इसलिए मैं यहाँ नल वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, जीरो। नल वेक्टर भले मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन है तो वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो नई क्वांटिटी मिलती है वो क्या होती है, स्केलर। स्केलर है मतलब उसके लिए मैं सीधा जीरो लिखूंगा, वेक्टर नहीं लिख सकता। तो ए डॉट कोई एक वेक्टर है, इसका नल नल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। सिक्स्थ लिखोगे, सिक्स्थ लिखोगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ नल वेक्टर विथ एनी अदर वेक्टर इज ऑल्सो अ नल वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ नल वेक्टर विथ एनी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ नल वेक्टर विथ एनी अदर वेक्टर इज ऑल्सो अ नल वेक्टर। लिख लोगे, इसका मतलब बेटा देखो, दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल है देखो ऐसा, वेक्टर ए क्रॉस नल वेक्टर। तो दो दो और भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलता है वो भी वेक्टर होता है, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो मिलता है वो स्केलर होता है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलेगा वो क्या होगा, वेक्टर। तो ए इंटू जीरो करोगे तो होना तो चाहिए जीरो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिल रहा है वो जीरो नहीं, वो वेक्टर होना चाहिए, इसलिए जीरो ना लिख के क्या लिखेंगे, नल वेक्टर। समझ में आ रहा है ये भाई, ए इंटू जीरो भी जीरो और इधर भी ए इंटू, ये दोनों इंटू ही है, मल्टीप्लाई ही है, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट है। इसको इसमें क्या होता है, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो मिलता है वो स्केलर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जीरो लिखेंगे सिंपल, जबकि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलता है वो वेक्टर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर नल वेक्टर। क्लियर है ये? यस सर। अब लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं। Examples of null vector. बस ये लास्ट दो पॉइंट लिखेंगे बेटा, फिर ऑफ करेंगे, ठीक है? Yes sir. चलो examples of null vector. पहला first the velocity vector of A stationary particle is a null vector, है ना भाई? कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, होगी कि नहीं? Yes, sir. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है मतलब वो रेस्ट में, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तभी तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो जीरो ना बोल के हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर, नल वेक्टर। तो क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसको थोड़ा सा हमको इज्जत देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, इसलिए सिंपली जीरो ना लिख के क्या लिखेंगे, नल वेक्टर। तो द वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल इज अ नल वेक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड लिखेंगे द एक्सेलरेशन वेक्टर, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ नल वेक्टर, इज अ नल वेक्टर। लिख लो पहले, फिर समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखो बेटा आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, है ना? एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक। तो एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है। ये डेल किसको, इसको बोलते हैं डेल, डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम,
तो अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, मतलब उसकी वेलोसिटी फिक्स है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका डेल वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं भाई? अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो डेल वी कितना हो जाएगा, जीरो। डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर कॉन्स्टेंट है मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डेल वी क्या है, जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए लिखा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ नल वेक्टर, मतलब कि एक्सेलरेशन इज जीरो। लेकिन अब जीरो लिख नहीं सकते, है ना, जीरो नहीं लिख सकते रेस्पेक्टफुली, क्योंकि वेक्टर है, तो इसलिए हमको क्या लिखना पड़ता है, नल वेक्टर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, नल वेक्टर होता है। तो ये दो एग्जाम्पल हमने लिख दिए ये बताने के लिए कि भाई नल वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, है ना। अब ये जो रेगुलर क्लास है इसको कोई मत छोड़ना, है ना। वेक्टर अपना जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप